नमस्कार दोस्तों, सीएसएन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है अपडेट्स कोरोना वैक्सीन की जो भारत में बनने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को इंतजार है तो बस इसकी वैक्सीन का। आईसीएमआर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक ने मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसे 15 अगस्त तक लॉन्च किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस देसी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल देश के 12 संस्थानों में शुरू हो रहा है। वैक्सीन का कोड नेम BBV152 रखा गया है। अगर यह वैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च हो जाती है तो यह संभवतः विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। आइए जानते हैं इसकी वैक्सीन को लेकर अपडेट्स जानकारी। भारतीय बायोटेक कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एल्ला का कहना है कि यह देश में तैयार होने वाली कोरोना की पहली वैक्सीन है। इसे आईसीएमआर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी कि NIV के साथ मिलकर तैयार किया गया है। कंपनी की ओर से जारी बयान के मुताबिक वैक्सीन को हैदराबाद के जीनोम वैली के बायोसेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में तैयार किया गया है। भारतीय बायोटेक कंपनी को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI सेंट्रल ड्रग स्टेट स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले और दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर एल्ला के मुताबिक CDSCO के सपोर्ट और गाइडेंस के कारण इस प्रोजेक्ट को कम समय में अप्रूवल मिला। हमारी रिसर्च टीम ने बिना थके बिना रुके काम किया है। ट्रायल के लिए ICMR ने उन्हीं संस्थानों को चुना है जहां पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विंग है और ह्यूमन ट्रायल में अनुभवी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है। 10 जुलाई से एम्स पटना में वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि NIMS में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयनित 12 संस्थानों में ट्रायल के लिए प्रतिभागियों ने एनरोलमेंट करना शुरू कर दिया है। वहीं वैक्सीन के सैंपल को भी एक केंद्र पर गुणवत्ता और सुरक्षा जांच से गुजारा जा रहा है। बीते शुक्रवार से शुरू हुए यह जांच अगले हफ्ते तक पूरा होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। कोवैक्सीन को फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार पहले फेज में कुल 375 लोगों का ट्रायल होगा, जबकि दूसरे में 750 लोगों पर किया जाएगा। हैदराबाद के ही निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि NIMS में मंगलवार से इसके क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कंपनी की ओर से फाइनल एनरोलमेंट के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की गई है।